वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये देखिए, आज हम आपको बताएंगे फ्रिज कैसे धोते हैं। ये देखिए, फ्रिज कितनी गंदी हुई है। देखिए, आज हम फ्रिज धोएंगे। देखिए, आज आप देख रहे हैं अभी अदनान व्लॉग। ये देखिए कितनी गंदी हमारी फ्रिज हुई है, और आज हम इसको साफ करेंगे। तो पहले हम कर लेंगे फ्रिज को ऑफ, बंद कर देंगे। सारा सामान मैंने, सारा जो कुछ भी था, मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। तो अब हम इसको करेंगे साफ, और ये मैं निकाल लूँगी जी। तो फ्रिज को मैंने कर दिया है ऑफ, मैं इनको निकाल के बाहर रख दूँगी। ये देखिए, देखिए ज़रा कितनी गंदी हुई पड़ी है। तो मैं अब इनको करूँगी साफ। ये भी मैं उतार लूंगी। ये देखिए उतर चुकी है, ठीक हो गया। और अब हम इसे करेंगे साफ। ये देखो मेरा अदन झूले माया ले रहा है, झूले आया झूले। अदन की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बताए मुझे कमेंट करके प्लीज़ कोई, ये अदन की कैसे तबीयत ठीक होगी, क्योंकि ये मेडिसिन भी नहीं खाती। जब इसको खिलाने लगते हैं ये वॉमिट कर देती है, और कोई तो बताए, इसके पेट में बहुत ही पेन होती है। इसका हल क्या होगा? मेडिसिन हमने बहुत ज़्यादा ली है, मेडिसिन बहुत ट्राई की है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमन बताएं कि हमें क्या करना चाहिए इसके पेट दर्द के लिए। और उधर हमारा पानी भर चुका है, और उसमें डालेंगे सरफ। सरफ डाल के फिर हम वो सारे धो लेंगे जो भी हमने चीज़ें फ्रिज से निकाली हैं, निकाल के फिर हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरे मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ कोई स्टैंड वगैरह हो, कुछ ना कुछ हो, तो फिर मैं कर लूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, जैसे भी हो। अब हम इसमें डाल देंगे सरफ, कर दिया बंद। चलो अब हम इन चीज़ों को धो लेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, फ्रिज मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये देखिए, आपको पानी भी टपकता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई होता नहीं है जिस जो मोबाइल पकड़ ले, नहीं तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा कैसे मैंने धोई है, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, चमक रही है, ये देख लें, परफेक्ट हो गई है। क्योंकि आपको पता है, अगर फ्रिज हम धोएं ना तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, इस वजह से फ्रिज को हमें लाजमन धोना पड़ता है। तो अब हम इसके अंदर लगा देंगे सारे स्टैंड स्टून जो भी है, लगा देंगे, फिट कर देंगे। पहले इसको खुश कर लेंगे, खुश करके फिर हम स्टैंड लगा देंगे। आपकी फ्रिज साफ़ सुथरी, नवी नकोर चिट्टी होगी दूध वर्गी। और अपनी माँ की, अपने बाप की रिस्पेक्ट किया करें, इज़्ज़त करें अपने माँ बाप की। माँ बाप का रिश्ता इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि आपको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कदर करें अपनी माँ की, अपने बाप की, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपका ससुर है, चाहे आपके माँ बाप है, इज़्ज़त करें सबकी, रिस्पेक्ट करें।
ये देखिए गाइस, फ्रिज हमारी बिल्कुल नीट हो चुकी है, देख लें। और आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।